जांजगीर चांपा जिला के शिवरी नारायण में प्रेम की अनूठा मिसाल पेश हुआ है। शिवरी नारायण के योगेश शर्मा ने अपनी स्वर्गवासी पत्नी के प्रेम में पत्नी की याद को संजोए रखने के लिए स्कूल भवन का निर्माण करा दिया और शासकीय स्कूल परिसर में निर्मित 25 लाख की भवन को शासन को सौंप दिया है, जिसमें अब कन्या स्कूल प्रारंभ कर दी गई है। एक शहंशाह ने बनवा के हंसी ताज महल दुनिया को मोहब्बत की निशानी दी है, लेकिन जांजगीर चांपा जिला के शिवनी नारायण नगर पंचायत क्षेत्र में रहने वाले योगेश शर्मा ने प्रेम ही नहीं, पत्नी चंद्र किरण शर्मा की शिक्षा के प्रति लगाव और समर्पण को देखते हुए स्कूल में 25 लाख की लागत से भवन का निर्माण कराया है और उसे शिक्षा मंत्री के हाथों स्कूल शिक्षा विभाग को सौंप दिया है। पुनीत काम हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं, चंद किरण जी शर्मा जो यहाँ शिक्षक थी, उनके पतिदेव ने जो उनके जो पैसे जो मिला होगा उनको, उसे एक अच्छा काम किया कि उनके नाम पे स्कूल भवन यहाँ बनाया और उसका उद्घाटन के लिए हम लोगों को आमंत्रित किया। ऐसे बहुत लोग अपने परिजनों के नाम पे कुछ बनाते हैं, लेकिन स्कूल हम पहली बार देख रहे हैं कि स्कूल यहाँ पे बना और उसका शासन ने विधिवत उसकी अनुमति दी और उसके अनुसार से आज उनके नाम आज अमर होगा। इस जब तक स्कूल रहेगा तब तक उनका नाम रहेगा। तो ऐसे समाज के और भी बहुत से लोग हैं, उनको इस बात को प्रेरणा लेनी चाहिए। स्कूल तो यहाँ बन गया है, लेकिन उस पर बहुत समय से भेजा करते हैं, अब तक हटाया नहीं गया। नहीं, ये तो मेरी कहाँ की बात कर रहे हैं? बड़ी वाली है, अब वो क्योंकि मेरे पास अभी तो आया नहीं, देखूंगा। अगर भेजा कब्जा है तो यही के लोग किए होंगे, अगर नगर पंचायत में तो नगर पंचायत का अध्यक्ष जी से, सीएमओ से, ग्राम पंचायत है तो ग्राम पंचायत के जो सचिव हैं बताएंगे। और शिवरी नारायण में स्कूल भवन का लोकार्पण करने पहुंचे स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेम साय टेकाम ने भी योगेश शर्मा के कार्य की सराहना की। उन्होंने कहा कि अपने परिजन की याद में लोग अलग अलग तरह से दान और निर्माण कार्य करते हैं, लेकिन योगेश शर्मा जी ने अपनी पत्नी की याद में शासन से मंजूरी के बाद स्कूल भवन का निर्माण कार्य किया है, जिस भवन को अब शासन अपने अधीन ले ली है। लेकिन योगेश शर्मा की मंशा के अनुसार स्कूल के नाम उनकी पत्नी स्वर्गीय चंद्र किरण शर्मा के नाम कर दिया है, जिसे लोग अब हमेशा याद रखेंगे। चंद्र किरण शर्मा इस विद्यालय में शिक्षिका थी और असमय उसका निधन हो गया। 17 अक्टूबर 2017 को उसका निधन हो गया। जब कुछ उसका पैसा इत्यादि मिला, राशि मिली, मैंने सोचा उसका नाम से कुछ कर दिया जाए। और चूंकि डीओ साहब श्री विजय कुमार जी लहरे, तत्कालीन डीओ श्री तोमर जी, शिक्षा सचिव श्री आलोक शुक्ला जी, शिक्षा मंत्री जी श्री टेकाम जी और आदरणीय महंत जी ने इस काम में मेरा काफ़ी सहयोग किया। मेरी इच्छा थी कि जिस विद्यालय में वह अध्ययन कराया करती थी वह विद्यालय उसके नाम से हो जाए, उसके लिए प्रयास प्रारंभ हुआ और सबके सहयोग से शासन की अनुमति के पश्चात शासन के निर्देशानुसार भवन निर्माण करा करके नामकरण की कार्रवाई प्रारंभ हुई। अंत में मुख्यमंत्री जी आदरणीय भूपेश बघेल जी ने भी अपनी स्वीकृति दी और शिक्षा मंत्री जी के सहयोग से यह कार्य संपन्न हुआ और आज इस भवन का लोकार्पण हुआ है। इस भवन में एक प्रधान शिवरी नारायण में बने स्कूल को योगेश शर्मा ने बालिका शिक्षा के लिए समर्पित कर दिया है और जिस स्कूल में उनकी पत्नी ने शिक्षिका के रूप में अपना जीवन समर्पण किया, उसी स्कूल के भवन को नया बनाकर योगेश शर्मा ने प्रेम की अनूठा मिसाल पेश किया है। ये है छत्तीसगढ़ विजन टीवी जांजगीर चांपा से संवाददाता राजेंद्र रत्नाकर की खास रिपोर्ट।